हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध हथियारों के साथ एक वांटेड आरोपी गिरफ्तार। गुड्डामलानी जिले की आरजीटी पुलिस ने थाने के वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर अवैध 2 अवैध पिस्तौल व 6 राउंड बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अवैध हथियार की खरीदी फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। आरजीटी थाना अधिकारी ललित किशोर के मुताबिक पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद के निर्देश के मुताबिक अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरजीटी थाने में दर्ज मामले में वांटेड आरोपी ओम प्रकाश पुत्र राजू राम सोनी निवासी नोखड़ा को पूर्व में हिरासत में लिया गया था। पूछताछ व मुखबिर से इतला के अनुसार इसकी निशानदेही पर अलग अलग जगह 2 पिस्तौल व 6 राउंड बरामद किए गए हैं। आरोपी के निवास स्थान पर पीछे की तरफ बाड़ा बना हुआ है, उसके अंदर एक पिस्तौल बरामद की है। वहीं उसके खेत में झोपड़ी बनी हुई है, उसके अंदर से एक पिस्टल और 6 राउंड बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी से अवैध हथियार की खरीदी फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान आरजीटी थाना अधिकारी ललित किशोर, हेड कांस्टेबल पेरा राम हड्डा, डालू राम, जोगेंद्र चौधरी, प्रवीण बिश्रोई सहित ने कार्रवाई की है। गौरतलब यह है कि जिला पुलिस जिले में अलग अलग जगह पर अवैध हथियार की धरपकड़ अभियान चल रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो डालने वालों पर भी नजर रखे हुए है। पुलिस लगातार अवैध हथियारों को जब्त करने के साथ साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकड़ा राम मेघवाल की रिपोर्ट।